नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुकैना जैदी। आज हम कुछ ऐसे मुद्दों की बात करेंगे जो देश के लिए जानने बेहद जरूरी हैं। कुछ ऐसे मुद्दों की बात करेंगे जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो बिल्कुल दिखा ही नहीं रहा है। आज हम बात करेंगे किसान की, हम बात करेंगे GDP की, हम बात करेंगे बेरोजगार युवाओं की और बात करेंगे कि आखिर जनता चाहती क्या है देश। हमारे साथ देश के कुछ युवा मौजूद हैं, देहरादून के युवा मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश का युवा क्या सोचता है। मैम, आपका नाम? महक थापा। महक जी, आप हमें ये बताइए, जैसे मेन स्ट्रीम का मीडिया है उस पर रात दिन सुशांत रिया और अब दीपिका पादुकोण को रात दिन दिखाया जा रहा है, तो सुशांत केस का बड़ा मुद्दा है या फिर किसान का बड़ा मुद्दा है? किसान का है, क्योंकि अब उसमें कोई सुन नहीं रहा है। उनके उन्होंने भारत बंद बोला था, और जबकि सिर्फ पंजाब बंद हुआ था, पर भारत बंद होना चाहिए क्योंकि उनके वजह से तो इतनी GDP बढ़ रही है हमारी, जो भी था। और अभी शायद अब सुशांत सिंह कितना केस मैटर नहीं करता अब, जितना ये किसान का इतना वो करता है। और लॉकडाउन के बाद तो वैसे भी किसानों का इतना फ़ायदा नहीं हो रहा पा रहा है, तो मे बी वो चीज़ ज़्यादा दिखानी चाहिए न्यूज़ मीडिया को। वही ज़्यादातर तो सुशांत के बारे में चल रहा केस न्यूज़ वगैरह, तो किसानों के बारे में दिखाना चाहिए सबको, मतलब इन सब के चक्कर से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मैम, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी, अगर आप संदेश क्या देना चाहेंगे मीडिया को, क्योंकि रात दिन यही चल रहा है, मेन स्ट्रीम का मीडिया है और छोटे छोटे चैनल जो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो उस पर आप बड़े चैनल्स को क्या राय देना चाहेंगे? बस यही कि अब ये जो होना था सुशांत सिंह राजपूत के केस में वो तो हो चुका है, बट जो अब मेन प्रॉब्लम है GDP लाइक इकनॉमी हमारी जो गिर रही थी ज़्यादा, पर वो ज़्यादा दिखाई देनी चाहिए उस चीज़ में, क्योंकि अब शायद लोगों को भी वो लोग अपने जो न्यूज़ चैनल वो TRP बढ़ाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, क्योंकि सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, नो वन वांट्स टू नो अबाउट द GDP एंड ऑल ना, तो पर वो दिखाना चाहिए उन लोगों को। मैम, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ऐसे तो कोई भी नहीं है। मतलब जिसकी मूवीज आपको ज़्यादा पसंद हो या जिनको आप देखना ज़्यादा पसंद? जैकलीन। अच्छा, आप बताइए, जैसे अभी नया नया आया है एक मुद्दा निकल कर कि जो पूरा बॉलीवुड है वो एक तरीके से ड्रग्स के जंजाल में फंसा हुआ है, जिनको काफ़ी लोग रोल मॉडल मानते हैं। मान लीजिए अगर आप जैकलीन का नाम ना लेके दीपिका का लेती हैं और आपको उनकी मूवी ज़्यादा पसंद आती, तो इस पर आप मतलब क्या, लेकिन आपने तो उनको अपना रोल मॉडल माना, इतने सारे बच्चे, इतना सारा यूथ उनको फॉलो करता है और वो हमारे देश को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो ऐसे जब शर्मनाक हरकतें करते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या फॉलो करेंगे आप उनको? ऑब्वियसली नहीं, अब इतना सब कुछ पता होने के बाद, क्योंकि वो सब डार्क में रखा गया था, पहले नहीं पता था कि ये सब भी होता है वहाँ पे। लोग तो ऐसे सोचते होंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा अपना एक्ट्रेस है, ये बहुत अच्छे से रहते होंगे, फिर उसके बाद ये सब ये लोग कर रहे हैं, वो भी बाद में ही सुशांत सिंह राजपूत केस के उस पर आया है हमारे सामने, तो ऑब्वियसली हम अब ज़्यादा इतना प्रेफर नहीं करेंगे। अब वो भी लॉकडाउन के बाद तो वैसे भी मूवीज़ देखने की आदत नहीं रही PVR में, तो घर पर बैठ के देखेंगे जो भी होगा। राकेश जी, आप हमें ये बताइए, जिस तरीके से मीडिया रात दिन ये जो मुद्दे दिखा रही है बॉलीवुड के, ये बड़ा मुद्दा है या किसान का मुद्दा बड़ा है? किसान का मुद्दा बड़ा है, किसान के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि जो बिल सरकार लेकर आई है, तो आपको क्या लगता है, जो किसान इतना आंदोलन कर रहे हैं, किसान का आंदोलन करना सही है या सरकार सही है? किसान का आंदोलन करना सही है, सरकार गलत है इस टाइम। अच्छा सर, ये बताइए, आपका फेवरेट बॉलीवुड में एक्टर्स कौन सा है? कोई खास नहीं, अक्षय। हाँ, अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से बॉलीवुड की एक के बाद एक पत्ते खुल रहे हैं, जिनको इतने बड़े लेवल पे इनके फॉलोअर्स हैं, तो वो ड्रग्स के जंजाल में फंसते चले गए हैं और हमें हमारी आंखें अब खुल रही हैं कि ये इतना बड़े लेवल पे इतना शर्मनाक काम किया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि जैसे सुशांत सिंह राजपूत मारा, उसके बाद एक के बाद रिया चक्रवर्ती, अब दीपिका पादुकोण, इन सब के बारे में तो इतना मुझे नॉलेज नहीं है। कि जैसे सैलरी भी, कंपनी हमारी जो सैलरी कट के आ रही है, काम कुछ हो नहीं रहा, लॉकडाउन 3-4 महीने से 6 महीने से बंद ही पड़ा हुआ, तो सरकार तो हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं ना इसके बारे में। आज आप युवा हैं, आप देश के जागरूक युवा हैं, जो आजकल देश में चल रहा है, अगर हम मीडिया की बात करें, तो मीडिया में ना तो किसान के मुद्दों की बात हो रही है, ना GDP की बात हो रही है, और ना ही बात हो रही है यूथ के रोजगार की, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या जो चल रहा है ड्रग्स का और रिया सुशांत का, यही चलना चाहिए, कि आपको यही पसंद है, या मेन चीज़ें निकल कर आएँ वो पसंद? नहीं, मीडिया को काम की चीज़ें ज़्यादा दिखानी चाहिए और जो चीज़ें सही में मायने करती हैं, जैसे देश की GDP डाउन जा रही है, तो उसमें वो होने चाहिए, गवर्नमेंट से क्वेश्चन होना चाहिए कि वो सब क्यों हो रहा है, उसका सलूशन क्या है आगे जाके, और सिर्फ यही चीज़ में मतलब दिखाने से कुछ नहीं होगा। जो हुआ वो गलत हुआ, जैसे उन्होंने सुसाइड किया वैसा नहीं होना चाहिए था, पर सिर्फ उसी पर ध्यान देना इज़ नॉट राइट। देश में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे देश चल रहा है,
आजकल इंडिया मीडिया को देखो तो ऐसा लगता है कि 24/7 वो सब वही करते रहते हैं। उस वजह से मतलब मेरे घर में तो अब न्यूज़ चलनी बंद हो गई है, क्योंकि जब वो वही फालतू की चीज़ दिखाएंगे तो कोई न्यूज़ देखना फिर पसंद ही नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली बिल्कुल देश को इंपॉर्टेंट मुद्दे दिखाने चाहिए मीडिया को, नहीं तो मीडिया से लोगों का ट्रस्ट ही उठ जाएगा। वो लोग सिर्फ TRP के लिए अगर ये सब दिखाएंगे और बस बॉलीवुड एक्टर्स का ही दिखाते रहेंगे तो उसका कोई काम नहीं रह जाएगा फिर मीडिया का, और वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। जैसे कि आप युवा हैं और रोजगार नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये चीज़ मतलब अब काफ़ी टाइम से देश में चल रही है, ऐसा नहीं है कि देश में कभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी हमारे कंट्री में ऑब्वियसली पहले से, तो मतलब ये प्रॉब्लम तो है। पर हाँ ये प्रॉब्लम है कि अब गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है जैसे ज़्यादातर, और आजकल जैसे अब कोरोना वायरस पैंडमिक के वक्त तो और लोगों की जॉब्स जा रही हैं, तो ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, पर ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ अभी होता हुआ दिख तो नहीं रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो निकालती है पर वो कितनी इम्प्लीमेंट होती है ये भी इम्पॉर्टेंट वो है जो कि कोई क्वेश्चन ही नहीं करता है। शक्ति जी, आप हमें ये बताइए, क्या मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है? जिस तरीके से उसका दर्जा दिया गया है, इतने चौथा स्तंभ उसको कहा जाता है, क्या आप मानती हैं कि वो उस तरीके? नहीं लगता, क्योंकि जब देखो SSR की न्यूज़ आती रहती है, कोविड से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कभी रिया हो जाती है, अब दीपिका वगैरह सब लोग उसमें आ चुके हैं, इन्वॉल्व हो गया, जैसे ड्रग्स का मुद्दा बना लिया है, क्योंकि ड्रग्स तो बहुत पुराना मैटर रहा है बॉलीवुड में। ये है कि अब उसे उजागर कर रहे हैं, जो मेन जो चीज़ें होती हैं, जो जैसे कि किसानों का चल रहा है मुद्दा, वो सब छुपाया गया है, कुछ ही नहीं दिखा रहे उसके बारे में। और ना किसानों का मुद्दा बड़ा है और इस चीज़ पे नहीं कहा जा रहा, तो चीज़ तो वही है ना, हम जिससे हम स्टैंड कर रहे हैं, जो हम खा पे रहे, जिनके हम खाते पीते हैं, उन बंदों को तुम भूल रहे हो, जो इतने सारे लोग कोविड में जो मरे हैं लॉकडाउन के दौरान, उनके लिए कोई काउंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, बस मीडिया में ये छा रखा है SSR। वो भी विसरा की जो उसकी रिपोर्ट आई थी उसका भी कुछ बताया नहीं लोगों ने, जबकि बोला था कि कुछ भी क्लैरिफिकेशन तो हो नहीं रही, बस भटकाया जा रहा है, मीडिया कुछ नहीं कर रही मुझे लगता है। क्योंकि ये अपील करूँगी कि ये सब चीज़ें जो बाहरी चमक दुनिया ये छोड़ के जो असली मुद्दा है हमारे देश का उसको उठाएँ, जैसे कि कोरोना से इतने लोग मरे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, उसके लिए कुछ करें, और मेन जो किसान इतने परेशान हो रहे हैं, कितनी उनको बहुत दिक्कत हो रही है, उनके वजह से हमें भी आगे सफ़र करना पड़ेगा। यूथ की बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, उस पर क्या कहना? यूथ की बेरोजगारी तो भूल ही जाओ कि उसे कोई सोच भी रहा है, यूथ के लिए कोई नहीं सोच रहा, जबकि जो भी गवर्नमेंट बनती है यूथ की वजह से ही बनती है, और लोग उसी को भूल गए हैं। मीडिया है, मीडिया GDP की बात नहीं कर रहा, मीडिया बात कर रहा है सुशांत केस की, मीडिया बात कर रहा है बॉलीवुड ड्रग्स के जंजाल में फंस चुका है, तो इस पर आप क्या कहना? मैम ये तो उलझाया जा रहा है, इधर से उधर उलझाया जा रहा है, मेन मुद्दों पर नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि मेन मुद्दे क्या है, जो चीज़ है वो चीज़ बताई नहीं जा रही है। ये तो हमसे पूछो, क्योंकि हम व्यापारी तबका है, हम बिजनेस मैन है, हमें पता है कि हमने कैसे अपने वर्करों को तनख्वाह देनी है, क्या चीज़ करनी है। जहाँ एम्प्लॉय हमारे यहाँ 28 काम करते थे, वहाँ पर आज 9 लड़के काम कर रहे हैं हमारे, और उनके जो 28 हैं उन्हें निकाला गया, वो कहाँ पर वो करेंगे, सेटल करें उनको। सुशांत केस की हो चाहे दीपिका पादुकोण का ड्रग्स मामला हो, तो आपको क्या लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या किसान का मुद्दा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मैम दोनों ही अपनी जगह ठीक है, लेकिन सुशांत वाला केस में भी दिखाना ज़रूरी है जिससे सच्चाई सामने आए, है ना मैम, किसानों का भी जरूरी है मुद्दा। अच्छा, देश की जो GDP है वो इतनी ज़्यादा खत्म ही हो चुकी है एक तरीके से, तो उस पर आपकी क्या राय है? मैम अभी तो थोड़ा सही होने में टाइम लगेगा, क्योंकि 2-3 महीने जो हमारे कोरोना के चक्कर में, COVID-19 के चक्कर में जो हुआ है उससे तो फ़र्क पड़ना ही था इस चीज़ों में। जैसे आप भी युवा हैं और इस टाइम हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है और वो बेरोज़गार है, तो इस पर आपकी क्या राय है, युवाओं की रोज़गार को लेकर क्या राय है, और आप अपने लिए क्या सोचते हैं? मैम रोज़गार में तो थोड़ा काफ़ी लोग हैं जो मतलब जिनका रोज़गार था रोज़गार छिन चुका है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लोगों को अपनी तरफ से भी प्रयास करना पड़ेगा रोज़गार के लिए। हिमांशु जी, आप ये बताइए, जो आजकल मीडिया में चल रहा है, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्या आपको लगता है वो बाखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? कुछ लोगों की वजह से हम सारे लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ मीडिया चैनल्स वाकई पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दिखा रही हैं, जो हो रहा है वो दिखा रही हैं, बट कुछ चैनल्स हैं जो अपनी TRP या हो सकता है पीछे कोई पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड ऐसा हो जिस वजह से वो एक्चुअल फैक्ट्स को नहीं दिखाते। अच्छा, जैसे देश की GDP बिल्कुल नीचे जा चुकी है, उस पर आपकी क्या राय है? मैडम GDP ये तो इकोनॉमिस्ट तय करेंगे, ठीक है, मीडिया ने हमें बताया, न्यूज़पेपर ने बताया, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। GDP है, कम भी होगी ज़्यादा भी होगी, ये तो प्रोसेस है, लॉन्ग टाइम चलता रहेगा। लेकिन सर पहली बार, आपने कहा पहली बार नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि माइनस में चली गई। मैडम देखो कोरोना से 6 महीने पूरा बंद रहा, आप भी घर पर रहे, हम भी घर पर रहे, तो उसका इफेक्ट तो मार्केट में अब दिखेगा ना, कुछ टाइम तो लगेगा चीज़ को ग्रो होने। हम भी पहले काम करते थे, उतने पैसे कमाते थे, लेकिन 6 महीने हमने नहीं कमाया, तो नुकसान तो हमें भी हुआ, तो वैसे ही कंट्री को भी नुकसान हुआ। अच्छा सर, ये बताइए कि किसान का मुद्दा बड़ा है या फिर सुशांत और रिया का मुद्दा? मैडम किसान का मुद्दा बड़ा, पहले तो फार्मर है, किसान है, जो उगा रहा है,
हमें तो बहुत लास्ट मंथ तो पे करके ले लेते हैं, लेकिन वो तो पे करके कहाँ से लेंगे, वो तो जब पैदा करेंगे तभी तो हम उसको लेंगे। अच्छा सर, हमें ये बताइए, जैसे कि ये मुद्दा हमने पढ़ा, आपने भी बिल पढ़ा, आपने कहा हित में है चीज़ें, तो लेकिन ये इतना ज़्यादा तूल क्यों पकड़ रहा है, इतना ज़्यादा आंदोलन क्या कर रहा है, विपक्ष इसमें क्या कह रहा है, सबको देख के मीडिया जिस तरीके से दर्शा रहा है चीज़ों को। टू भी बिहार में इलेक्शन है, ठीक है, तो बिहार में इलेक्शन के लिए हर पार्टी को मुद्दा चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या लोकल जो भी पार्टी हो। तो कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, तो शायद मे भी उनके लिए ये हो सकता है। आखिर क्या बड़ा मुद्दा है, आखिर मीडिया का बड़ा मुद्दा है या किसान का बड़ा मुद्दा है, आखिर देश की जो जनता है वो चाहती क्या है, और जय भारत की टीम निकली, लोगों से बात करी, जानने की कोशिश करी, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा जो आजकल हमारा मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है, जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो देखते हैं वो जनता बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती। जनता चाहती है कि किसान की बात सुनी जाए, भले ही अगर कहे, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर माना जाए कि ये किसान के हित में ही है, तो जनता चाहती है कि ये बात किसानों को समझाई जाए, क्योंकि एक बड़े लेवल पे जो किसान है वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको कोई समझाने वाला चाहिए, और इसमें देखने को मिला है कि विपक्ष चुटकी ले रहा है। जय भारत की टीम आज निकली और जानने की कोशिश करी आखिर जो देश की जनता है वो मेन मीडिया से चाहती क्या है। ऐसे ही तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।